सो भाई और बहनों, अच्छे पीसी बनाने का ख्वाब लेके अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। आ गया गैलेक्सी की तरफ से हर घर रेवोल्यूशन 1, जो कि आपके पीसी बनाने का सपना को साकार कर देगा। कैसे? बजट फ्रेंडली, पैसे थोड़ा सा कम लगते हैं, पॉकेट में थोड़ा सा दबाव कम होता है, मगर आता है प्रीमियम लुक के साथ, प्रीमियम फीचर्स के साथ। तो देखते हैं क्या गैलेक्सी तरफ से दो, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक, जो कि प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। देखते हैं रिव्यू के दौरान कि क्या क्या है फीचर्स इसमें, और अभी इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। सो व्यूअर्स, अच्छा पीसी आपको बनाना है तो ये रहा आपका गैलेक्सी का जीरो रेवोल्यूशन 01 व्हाइट। तो इसमें मेन खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि ये देखने में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मगर इसमें सारा जो फैंस वगैरह आते हैं वो ARGB का आते हैं। कैसे? देखिए, पहली बात, इसका प्रीमियम सबसे जो फीचर्स अच्छा लगता है वो है इसका ग्लास। ये टेम्पर्ड ग्लास है, एक साइड में दिया हुआ है, जिसमें से आपका पूरा पीसी का जो बिल्ड है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसको खोलने का बहुत ही अनोखा और इनोवेटिव तरीका ये है कि यहाँ पे एक आपका ये हैंडल जैसा दिया हुआ है जो आपका फोल्डेबल है, उसमें ऐसा आपका खुल के आता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया, जो आपको कोई भी मतलब लोअर सेगमेंट में कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी कंपनी आपको नहीं देगा, सिर्फ अपर सेगमेंट में या मतलब प्रीमियम सेगमेंट में आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही मतलब उमदा, मतलब बहुत ही अच्छा एक फीचर्स है। साथ में आपका देखिए यहाँ पे 3 फुल साइज का फैन दिया हुआ है आपका, ये RGB कंट्रोलर के साथ है, ये यहाँ पे एक 4, तो टोटल आपका जो फैन आता है वो 4 आता है, इन बिल्ड आएगा। और इसका जो है ऑटोमेटिक, इसका जो कंट्रोलर है ये पीछे आपका दिया हुआ है, अभी आप पीछे वाला खोलूँगा तो दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ATX जो आपका जो पावर सप्लाई रहेगा वो पावर सप्लाई के ऊपर इसका फेंस दिया हुआ है, मतलब इसका ढकने के लिए। तो आपका जो केबलिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से रहेगा और आपका पीसी का जो बिल्ड है वो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। यहाँ पे आप रेडिएटर लगा सकते हैं, मतलब आप कूलर लगा सकते हैं, फुल साइज का लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, ये यहाँ पे आप कूलर लगा सकते हैं, यहाँ पे 1-2 फैन लगा सकते हैं, ऊपर में भी आप 1-2 फैन लगा सकते हैं, तो मतलब 2 या 2-4, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 8 फैन मैक्सिमम लगा सकते हैं इसमें। हालांकि यहाँ पे अगर फैन लगा के यहाँ पे आप कूलर लगा सकते हैं, या फिर इस जगह पे फ्रंट में आप कूलर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका एक ATX मदरबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे आपका रैम वगैरह लगाने के लिए, बट ख्याल ये रहे ऊपर में अगर आप थोड़ा सा मोटा या फिर थोड़ा सा चौड़ा टाइप का ये लगाते हैं रेडिएटर, मतलब कूलर लगाते हैं, तो उसके लिए रैम का आपका पोजीशन देख लीजिएगा कि रैम का पोजीशन बस इतना ही देखना है। और आपका अगर यहाँ पे फुल साइज़ का GPU लगा रहे हैं, नीचे यहाँ पे फुल साइज़ का GPU लगाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इसका एक क्लिप आता है, मतलब उसको होल्ड करने के लिए क्लिप आता है मदरबोर्ड के साथ, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो क्लिप होल्ड करने से सबसे बेटर होगा कि वो GPU आपका बहुत ही स्टेडी रहेगा। और इसका जो पीछे वाला पोजीशन है वो आपको अभी खोल कर दिखा देते हैं, जहाँ पे आपका केबलिंग रहेगा, ये आपका 2 स्क्रू से ये खुल जाएगा, ये आपका कैबिनेट खुल गया। और यहाँ पे पीछे देखिए ये कंट्रोलर है, ठीक है ना। इसका जो पावर है, ये आपका SMPS का जो पावर है, मेन SATA पावर यहाँ पे आपको देना है। और यहाँ से आपका देखिए ये ARGB का सिग्नल निकल रहा है 5, और यहाँ पे आपका जो है ये फैन 5 कनेक्टर है, फैन का 5, और साथ में आपका 2 LED का स्ट्रिप का कनेक्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि पोजीशन इसमें दिया हुआ है। सारा केबल मैनेजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें एक्सेसरीज है, यहाँ पे आपका PCU बैठेगा, और इसमें देखिए यहाँ पे जो है पोर्शन है, यहाँ पे फुल साइज़ का एक हार्ड डिस्क बिठाने के लिए, उसके ऊपर एक SSD बिठा सकते हैं, यहाँ पे 2 SSD लगा सकते हैं, तो 3 SSD लगा सकते हैं, एक बड़ा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और बाकी रह गया आपका, बाकी जो स्टोरेज है वो आपका मदरबोर्ड के माउंट कर सकते हैं, जैसे आपका फीचर्स रहेगा। जो मेन चीज़ है जो दिखा देता हूँ आपको, अभी मैं बता रहा था कि ग्राफिक्स होल्डर क्या है, तो ये है मेरा ग्राफिक्स होल्डर, ये ग्राफिक्स होल्डर है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड होल्ड करने के लिए आपको कैसे लगाना है, आपको बस ये फ्रंट पोर्शन से देखना है। आपको फ्रंट पोर्शन में आपका देखिए यहाँ पे एक चैनल दिया हुआ है, यहाँ पे चैनल दिया हुआ है, इस चैनल में ऐसे माउंट करके आपका हाइट के हिसाब से, और इसके यहाँ पे आपका ये ऐसे को इसको माउंट करके ऐसे आपको बिठाना है, ठीक है। सो ये हो गया सारे, साथ में कुछ केबल्स आते हैं और स्क्रूज वगैरह आते हैं। चले इसके ऊपर नहीं जाते हैं, अभी हम लोग इसको अभी पावर अप करते हैं और देखते हैं RGB का कितना सुंदर कंट्रोलर आता है। और हाँ, फ्रंट में अगर आपको खोलना है, इसका थोड़ा सा वेंटिलेशन के बारे में बता दूं, वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फैन का जो पोजीशन है वो बहुत ही सुंदर है। ऊपर में देखिए, ऊपर में आपका ऐसा मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ आपका फिल्टर आ जाएगा, एयर फिल्टर, जिसको आप कभी भी आप ये कर सकते हैं, खोल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। और पीछे तरफ देखिए, यहाँ पे भी आपका एक वेंट मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका एयर फिल्टर लगा हुआ है। और फ्रंट में देखिए, फ्रंट में 3 फैन और यहाँ पे एयर वेंट के लिए जगह है। इसको आप फ्रंट ओपन फेंस को ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे आप अगर इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो ये ओपन हो जाएगा आपको देखने के लिए। ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया बहुत आसानी से। तो ये मेरा फ़ैन है,
तीन ARGB फैन है जिसका कनेक्शन पूरा जाके कंट्रोलर में लग रहा है। ओके सो ये हो गया मेरा फ्रंट का। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मेन पावर बटन है, एक रीसेट बटन है, और यहाँ पे जो देखिए एक मोड बटन है, और ये यहाँ पे डीम करने की भी बटन है। मतलब जो RGB वाला लाइट जो आपका यहाँ पे जलेगा वो तो आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर ही सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पे हार्डवेयर बटन भी दिया हुआ है जिसमें से आप मोड या फिर उसका ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आपका माइक्रोफोन का जो जैक सब में आता है, और ये आपका माइक्रोफोन और इसका फ़ोन का जो माइक्रोफोन का है और हेडफोन का दोनों का ही जैक आता है। फ्रंट में एक USB 3 और USB 2.0 आता है। ओके और पीछे आप देख लीजिए, और एक बार चीज़ दिखा देता हूँ, ये सात आपका ये है PCI स्लॉट्स लगाने की जगह है, आपके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो साथ में ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उमदा तरीके का, मतलब प्रीमियम कैटेगरी का है, मगर आपको बजट में प्रॉकेट में फ्रेंडली आएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया। अभी इसको हम लोग पावर अप करते हैं और दिखाते हैं RGB का लाइट का कैसा वेरिएशन है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने इसको पावर अप कर दिया है। अभी देखिए कितना खूबसूरत है ये ARGB जो फैन है, ये देखिए कितना सुंदर आपका लाइट दे रहा है। तो आपका मेन जो फंक्शन है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो बटन दिया हुआ है फ्रंट साइड में, एक तो है ब्राइटनेस का। आप देखिए इसको, अगर मैं ब्राइटनेस को आहिस्ता आहिस्ता ये करता हूँ, देखिए बंद भी हो जा रहा है एकदम, मतलब आप ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइट का जरूरत नहीं है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। और इसको ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए देखिए, ये आपका स्टेप वाइज आपका ये ब्राइटनेस कम हो रहा है और फुल ब्राइटनेस दे रहा है। और उसके बगल में जो मोड बटन है, ये मोड बटन को अगर मैं प्रेस करूँ, देखिए अलग अलग मोड में RGB लाइट जो है ग्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा हार्डवेयर वाला कंट्रोल। अब सॉफ्टवेयर से कैसे कंट्रोल करना है, तो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करने के लिए इसका जो कंट्रोलर मैंने आपको बताया था, इसका जो कंट्रोलर है देखिए ये पीछे की तरफ लगा हुआ है कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर पे देखिए एक जगह पे लिखा हुआ है ऑरा सिंक का जो हेडर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑरा सिंक का जो हेडर है या फिर ARGB 2 का जो हेडर है, ये दोनों हेडर या फिर कोई एक हेडर को आप एज पर योर मदरबोर्ड जैसे सपोर्ट करता है उसके हिसाब से ये हेडर का ये एक वायर, मतलब इसका जो केबलिंग वायर है वो वायर आ जाएगा इसके साथ, ये मदरबोर्ड के साथ ही आता है, सॉरी ये आपका बोर्ड के साथ ही, मतलब इस कैबिनेट के साथ ही आता है। यहाँ से लगा के आपको मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करना है, तो आपका सॉफ्टवेयर से ये RGB कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर वाला कंट्रोल, और ये सामने वाला आपका हार्डवेयर वाला कंट्रोल हो गया। ओके सो देखिए कितना सुंदर बेहतरीन लग रहा है। इसके साथ और भी फैन लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, तो अभी देख लीजिए ये वाला जो फैन है, पीछे वाला जो फैन है, और ये सामने वाला फैन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये आपको एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम लुक भी देता है। सो फ्रेंड्स, हर घर रेवोल्यूशन होना चाहिए ना, जरूर होना चाहिए। तो पॉकेट को बचाते हुए और ड्रीम PC को अपना बनाते हुए Galaxy Case 01 Revolution 01 के साथ अपना PC बनाते रहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, और कोई भी आपका इसके बारे में एक तो डिटेल्स में जानना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा लिंक, वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाइए, और आपको एकदम कतार में, मतलब फर्स्ट, जैसे कि हम लोग जो भी नया वीडियो डालते हैं उसको आपको सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो हम लोग नया वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय।